गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा कीबोर्ड के बारे में सीखा था। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड का उपयोग आप कैसे करते हैं? कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? और बहुत सारी कीज के बारे में सीखा था। आज की कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका आप सभी को आंसर देना है। कीबोर्ड का उपयोग किस लिए करते हैं? कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? कीबोर्ड में स्पेशल की कौन सी होती है? नंबर की का दूसरा नाम क्या होता है? आइए अब आज की कक्षा को शुरू करें और जानें आज आप सब कौन से टूल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को टचपैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आएं और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। अब इस बॉक्स पे एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढें और उस पर लेफ्ट बटन क्लिक करें। इसके अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आना है और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके एमएस पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप सब रेक्टेंगल टूल के बारे में सीखेंगे। आउटलाइन क्या होती है और आउटलाइन का कलर कैसे बदलते हैं? सॉलिड कलर क्या होता है? इसका उपयोग कैसे और क्यों करते हैं? आउटलाइन और फिल विद कलर का अभ्यास करेंगे और सबसे लास्ट में इसी टूल से मोबाइल फोन भी बनाएंगे। सामने दिखाए गए चित्र को देखें। आप सभी को रेक्टेंगल टूल को ढूंढने में कोई समस्या ना हो, इसलिए रेक्टेंगल टूल को एक रेड कलर के गोले से दिखाया गया है। रेक्टेंगल टूल क्या होता है? रेक्टेंगल एक बॉक्स की तरह होता है जिसके आमने सामने की लाइन बराबर होती है। सामने दिए गए चित्र को देखें और इस चित्र को रेक्टेंगल टूल की मदद से बनाएं। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कलर पैलेट से किसी भी एक कलर को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपने पेंट की शीट पर ड्रैग करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सभी रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें। फिर कलर पैलेट में से एक कलर को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपने कर्सर को शीट पर लेकर आएं और ऐसे एक स्क्वायर को ड्रैग करें। जिससे कि यह पिक्चर बन जाएगी। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। सामने दिए गए चित्र को देखें और इस चित्र को रेक्टेंगल टूल की मदद से बनाएं। जब आप सब एक रेक्टेंगल टूल को ड्रैग कर लेंगे, फिर उसके बाद कलर को चेंज करके फिर से एक के बाद एक स्क्वायर ड्रैग करें, जिससे आप सबका यह चित्र बन जाएगा। जब आप इस चित्र को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका आउटलाइन का ही कलर बदल रहा होगा, क्योंकि कलर बॉक्स 1 से सिर्फ आउटलाइन का कलर बदल सकता है। सभी रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें। उसके बाद कलर पैलेट में से एक कलर को सेलेक्ट करें और फिर ऐसे अपने शीट पर स्क्वायर ड्रैग करें। फिर अब कलर पैलेट में से कलर को चेंज करें। फिर दूसरा रेक्टेंगल ड्रैग करें। कलर को चेंज करें। फिर तीसरी रेक्टेंगल ऐसे ड्रैग करें।
कलर को चेंज करें। फिर यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रैग करें, कलर को चेंज करें। फिर ऐसे एक स्क्वायर और ड्रैग करें, फिर कलर को चेंज करें, ऐसे एक स्क्वायर ड्रैग करें, यहाँ पे इस तरह से। फिर कलर को चेंज करें, एक रेक्टेंगल ड्रैग करें फिर से, इस तरह से यह पिक्चर बन जाएगी। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। आप सभी ने पिछले पिक्चर में बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए थे, अब आप सब सामने दिए गए चित्र को ध्यान से देखें कि इस चित्र और पिछले चित्र में क्या अंतर है। इस चित्र में रेक्टेंगल के अंदर वाइट कलर फिल होके आ रहा है। क्या आप सभी मुझे बताएंगे कि अगर रेक्टेंगल के अंदर कलर को फिल करना है तो क्या करेंगे? सोच रहे होंगे कि हम इसे इरेजर से मिटाकर बना सकते हैं, लेकिन हमें इस चित्र को इरेजर से नहीं मिटाना है, इसको किसी दूसरे तरीके से बनाएंगे। आइए जानते हैं कि वह दूसरा तरीका कौन सा है। सबसे पहले तो आप सभी को रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद किसी एक कलर को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सब एक स्क्वायर बना लेंगे। फिर कलर को चेंज करें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें, कलर टू को वाइट करें, फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग करें, फिर कलर को चेंज करें, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें नीचे की तरफ, फिर अब कलर को चेंज करें, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें, इस तरह से, फिर कलर को चेंज करें, अब यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, उसके बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रैग करें, यहाँ पे ऐसे, फिर अब एक यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें और एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रैग करें, इस तरह से आपकी यह पिक्चर बन जाएगी। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। दिए गए चित्र को आप सभी कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 की मदद से बनाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं
कलर बॉक्स 1 का उपयोग आउटलाइन के लिए होता है, वैसे ही कलर बॉक्स 2 का उपयोग किसी के अंदर कलर को फिल करने के लिए होता है। आप सब रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कलर 1 में ब्लैक कलर और कलर 2 में ब्लैक कलर। फिल पे जाकर सॉलिड कलर को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपने शीट पे ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर अब दोनों कलर चेंज करें, कलर 2 में फिर कलर 1 में भी। उसके बाद अपने शीट पर ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर दोनों कलर को चेंज करें। उसके बाद अपने शीट पे ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर अब कलर को चेंज करें। दोनों कलर में सेम कलर लें। उसके बाद अपने शीट पे ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर अब कलर को चेंज करें। दोनों कलर में सेम कलर लें। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। दोनों कलर को चेंज करें। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रैग करें इस तरह से। फिर अब दोनों कलर को चेंज करें, सेम कलर लें। अब यहाँ पे छोटा सा एक रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर कलर को चेंज करें। दोनों कलर में सेम कलर लें। उसके बाद यहाँ पे को ड्रैग करें। इस तरह से यह पिक्चर बन। आइए अब देखते हैं कि इस ड्राइंग को बनाने के बाद जब आप डिलीट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिलीट करने के लिए कमांड कंट्रोल प्लस ए और डिलीट होता है, तो आप सभी इस कमांड का प्रयोग करें और फिर डिलीट करके देखें कि क्या हो रहा है। सामने वीडियो में जैसा कि दिखाया जा रहा है कि कमांड का प्रयोग करने के बाद आपके शीट पर पूरा कलर भर जाएगा, क्योंकि हमने कलर 1 और कलर 2 दोनों में कलर कर रखा है। इसे डिलीट करने के लिए आपको कलर 2 को वाइट करना होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। वाइट करने के बाद आप उसे कंट्रोल ए डिलीट करें, जिससे कि आपका शीट अच्छे से डिलीट हो जाएगा या उस पे बनाई हुई ड्राइंग या जो कलर फैला होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब आप सभी को सिखाए गए तीनों तरीके से सामने दिए गए चित्र को बनाना है। आइए आप सभी बच्चों यह चित्र बनाने का तरीका बताता हूँ। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, दोनों कलर में सेम कलर लें, फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें। उसके बाद
अपने सीट पे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर दोनों कलर को चेंज करें। कलर टू को वाइट करें। उसके बाद ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें। कलर वन को चेंज करें। फिर यहाँ पे ऐसे कलर को चेंज करें। दोनों कलर में सेम कलर लें। उसके बाद छोटा सा एक रेक्टेंगल को ड्रैग करें। कलर को चेंज करें। कलर वन में कलर लें, कलर टू में वाइट रखें। फिल पे जाएं, सॉलिड नो फिल करें। ऐसे ट्रैक करें लाइन को। कलर को चेंज करें। उसके बाद ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर कलर को चेंज करें। यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। कलर को चेंज करें। फिर ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। अब कलर वन को चेंज करें। कलर टू को भी सेम कलर लें। फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल को ऐसे ड्रैग करें। कलर को चेंज करें। दोनों कलर में सेम कलर लें। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। कलर टू पे क्लिक करें, उसे वाइट करें। कलर वन को भी वाइट करें। फिल लें, नो फिल। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर दूसरा यहाँ पे एक और ड्रैग करें। इस तरह से यह पिक्चर बन जाएगी। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। दिए गए चित्र को देखें और यह चित्र आपको खुद से बनाना है। अगर किसी को चित्र बनाते समय कोई भी समस्या होती है तो वह पूछ सकते हैं। सभी रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें। उसके बाद ऐसे अपने सीट पे रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें। फिर यहाँ पे ऐसे एक और रेक्टेंगल को ड्रैग करें। कलर वन को ब्लैक करें। कलर टू को भी ब्लैक करें।
फिल पे जाएं, सॉलिड कलर लें और फिर ऐसे एक बॉक्स को ड्रैग करें फिर ठीक उसके सामने यहां पे एक और बैक बॉक्स को ड्रैग करें उसके बाद कलर 2 को चेंज करें कलर 1 को भी चेंज करें और फिर बीच में यहां पे ऐसे ड्रैग करें फिर कलर 2 को वाइट करें कलर 1 को ब्लैक करें उसके बाद यहां पे एक रेक्टेंगल को ऐसे ड्रैग करें फिर लाइन टूल को सेलेक्ट करें यहां पे ऐसे एक लाइन को खींचें फिर ऐसे दूसरी लाइन को खींचें फिर यहां पे ऐसे तीसरी लाइन को खींचें उसके बाद यहां पे ऐसे सीधे लाइन को खींचें फिर यहां से दूसरी लाइन को खींचें फिर यहां से तीसरी लाइन को ऐसे ड्रैग करें उसके बाद टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें फिर यहां पे बीच में टेक्स्ट टूल को ड्रैग करें और यहां पे कंप्यूटर शिक्षा टाइप करें इस तरह से आपकी मोबाइल बन जाएगी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है सभी अपने फाइल को क्लोज करें आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा आज की कक्षा में आपने कीबोर्ड का रिवीजन किया रेक्टेंगल टूल के बारे में जाना और इसकी मदद से आपने कुछ ड्राइंग बनाई कलर 1 और कलर 2 के बारे में जाना फिल क्या होता है इसका उपयोग कहां पर अथवा किस लिए करते हैं यह भी जाना